ट्रांजिट एंड वेदा कैसे काम करती है, आपने पढ़ा हुआ है केवल याद करवाने के लिए है, कैसे काम करेगा? देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनका विद रिस्पेक्ट टू हमारा नेटल मून, विद रिस्पेक्ट टू नेटल सन, विद रिस्पेक्ट टू नेटल लग्न, तो कैसा प्रभाव है, कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे वो प्लैनेट अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो ये आपके पास चार्ट है, आपकी किताब में बड़ा खूबी से बना हुआ है, वहीं से मैंने लिया है। तो सूर्य आपके चंद्रमा से तीसरे, छठे, दसवें घर में और ग्यारहवें घर में अच्छा है, इसका मतलब सूर्य इज ऑलवेज गुड इन उपाच्य स्थान, सूर्य खुद उपाच्य है, सूर्य खुद पंप एंड शो का मालिक है, सूर्य खुद फुगरपंथी का मालिक है, इसलिए ये उपाच्य स्थान जो है 3, 6, 10, 11 इनमें सूर्य अच्छे रिजल्ट देता है। चंद्रमा जो आपका मून है, चंद्रमा से पहले घर में, तीसरे घर में, छठे घर में, सातवें घर में, दसवें घर में और ग्यारहवें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मार्स तीसरे घर में भी अच्छा है क्योंकि पराक्रम का वो घर है, तीसरा घर आपकी एनर्जी का है, एनर्जी इनपुट इन योर लाइफ का है, वहाँ पे भी अच्छा है। छठा स्थान आपके कार्यस्थान का मालिक है, वहाँ पे भी वो अच्छा है। ग्यारहवां स्थान इच्छा पूर्ति का है, मंगल वहाँ भी अच्छा कार्य करता है। बुध, बुध दूसरे घर में अच्छा है, चौथे घर में अच्छा है, छठे घर में अच्छा है, आठवें घर में अच्छा है, दसवें घर से अच्छा है, ग्यारहवें घर में अच्छा है, जब ये घूमता हुआ आपके चंद्रमा से इन घरों में आएगा। जो भी हम यहाँ बात करेंगे वो घूमते हुए बुध की बात करेंगे, हम घूमते हुए प्लैनेट की बात करेंगे, चाहे वो बुध है चाहे जुपिटर है। जुपिटर जब चंद्रमा से दूसरे, पाँचवें, सातवें, नौवें और ग्यारहवें घर में आएगा तो भी वहाँ पर अच्छा माना जाएगा। शुक्र जो है, शुक्र पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में, आठवें घर में, नौवें घर में, ग्यारहवें घर में और बारहवें घर में अच्छा माना जाता है। इसका तो मतलब ये हो गया कि जो बुध है केवल तीन जगह ही बुरा है, एक तो ये छठे घर में शुक्र अच्छा नहीं है, सातवें घर में अच्छा नहीं है, दसवें घर में अच्छा नहीं है। जब भी चंद्रमा से घूमता हुआ छठे घर में, सातवें घर में और दसवें घर में आएगा तो इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं, बाकी सब जगह इसके अच्छे ही रहते हैं, सॉफ्ट प्लैनेट है। सैटर्न तीसरे घर में, छठे घर में और ग्यारहवें घर में अच्छा है। तो इसी तरह जैसे हम चंद्रमा से लेते हैं उसी तरह हम असेंडेंट से ले गए, ये असेंडेंट का चार्ट है, सूर्य लगन से, लगन से अब लगन की बात हो रही है। यदि आपके पत्री में तीसरे, चौथे, छठे, दसवें, ग्यारहवें या बारहवें घर में बैठा है तो ये आप समझो कि अच्छा है। चंद्रमा यदि आपके पत्री में लगन से तीसरे, छठे, दसवें घर, ग्यारहवें घर में बैठा है तो अच्छा है। मंगल यदि लगन से एक पहले, तीसरे, छठे, दसवें, ग्यारहवें घर में बैठा है तो अच्छा है। बुध यदि लगन में, लगन से, लगन पत्री में पहले घर से दूसरे घर में, चौथे घर में, छठे में, आठवें में, दसवें में या ग्यारहवें में बैठा है तो अच्छा है। बृहस्पति यदि पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे, आठवें, नौवें, दसवें, ग्यारहवें घर में अच्छा है। अब बृहस्पति देखो तीसरे घर में अच्छा नहीं है, बृहस्पति सातवें घर में अच्छा नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट बृहस्पति हर जगह अच्छा है। बड़ा आसान है याद रखना। शुक्र जब लगन से पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे में, पांचवें में, आठवें में, नौवें और ग्यारहवें घर में चल रहा होता है तो अच्छा रहता है। छठे, सातवें और दसवें घर में अच्छा नहीं है, बारहवें घर में भी अच्छा नहीं है नेटल हॉरोस्कोप में लगन से। सैटर्न जब सैटर्न है वो पहले घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, दसवें घर में और ग्यारहवें घर में अच्छा है। ये आपकी कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये रिजल्ट आपको कुंडली से भी अच्छे मिलेंगे और जब ये गोचर में घूमता हुआ इन घरों में आएगा तो भी यही रिजल्ट रहेंगे। इसी तरह ये रिजल्ट सन से हैं, पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, ग्यारहवें घर में सूर्य से यदि सूर्य हो
तो कोई भी प्लैनेट बैठा हो अच्छा है, मून जो है सूर्य से तीसरे छठे सातवें आठवें दसवें ग्यारहवें घर में जब ट्रैवल करेगा तो अच्छा होगा। मंगल यदि सूर्य से तीसरे पाँचवें छठे दसवें ग्यारहवें घर में करेगा ट्रैवल तो अच्छा होगा। बुध यदि पाँचवें छठे नौवें ग्यारहवें बारहवें घर में ट्रैवल करेगा तो अच्छा रहेगा। बृहस्पति यदि पहले दूसरे तीसरे चौथे सातवें आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें घर में ट्रैवल करेगा तो बहुत अच्छा जाएगा। शुक्र यदि आठवें ग्यारहवें बारहवें घर से सूर्य से ट्रैवल करेगा तो अच्छा जाएगा। सैटर्न पहले दूसरे चौथे सातवें आठवें दसवें ग्यारहवें घर से यदि ट्रैवल करेगा तो अच्छा जाएगा। अब मंतेश्वर जी क्या कहते हैं? मंतेश्वर जी ने कहा है कि ये क्लासिक ट्रीट है फलदीपिका का और मंतेश्वर जी का। मंतेश्वर जी राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं। उन्होंने बोला है, मैं आपको संस्कृत के जुमेले में नहीं डालूंगा, कई लोग संस्कृत ये संस्कृत में थोड़ा परेशान हो जाएंगे, मैं आपको इंग्लिश में लेके चलूंगा। जो संस्कृत जानते हैं, अच्छा जानते हैं, समझते हैं, उनको ये श्लोक जरूर बोलना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, तो थोड़ा सा बढ़िया लगता है। लेकिन मैं आपको सिंपल पढ़ाऊंगा। श्लोक मैंने इसलिए दिया है कि आपकी नॉलेज के लिए, जो अच्छा करना चाहते हैं एग्जाम में, यदि आप श्लोक लिख के आगे लिखोगे तो अच्छा लगेगा। अकॉर्डिंगली अमंग ऑल द असेंडेंट्स द नेटल मून असेंडेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रडिक्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजिट ऑफ वेरियस प्लैनेट्स। दस इट इज मोस्ट अथेंटिक टू मेक प्रडिक्शन बेस्ड ऑन ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स थ्रू वेरियस साइंस ऑक्यूपाइड बाई द मून। देखो हमने अभी पढ़ा विद रिस्पेक्ट टू नेटल मून, विद रिस्पेक्ट टू नेटल असेंडेंट, विद रिस्पेक्ट टू नेटल सन। हमने तीन लगन माने, सूर्य को भी एक लगन माना, चंद्रमा को भी एक लगन माना और असेंडेंट कुंडली को भी एक लगन माना। लेकिन मंतेश्वर जी ने कहा है, फलदीपिका में कहा है कि चंद्रमा से ही गोचर देखना चाहिए। मैं आपसे बोलूंगा कि चंद्रमा से गोचर जरूर देखना चाहिए, लेकिन मैं यहां पे कुछ ऐड करूंगा आपको, क्योंकि अब ये प्रवीण वन तक तो अच्छा था, प्रवीण टू में इसको समझना बढ़िया था कि और ज्यादा दलदल में मत घुसो, केवल चंद्रमा अपना देख लो। हमको चंद्रमा से ही गोचर देखना चाहिए, जितनी किताबें हैं वो चंद्रमा से गोचर पे ही हैं। लेकिन जिंदगी का तजर्बा, अब आप सीनियर एस्ट्रोलॉजर होने जा रहे हैं, सीनियर स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, आपको सूर्य से भी देखना चाहिए, लगन से भी देखना चाहिए। कब कब सूर्य से, कब लगन से, कब चंद्रमा से, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके लिए मैं इसको ऑन करता हूं, आपके सामने आता हूं ताकि आप देख सको मुझे थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे। पहले तो चंद्रमा क्यों, जो भी हम महसूस, यदि हमारे चोट लग जाए तो चोट तो शरीर को लगती है, महसूस हमारा मन करता है। हमारे किसी बहुत प्रिय रिश्तेदार की डेथ हो गई तो वो तो दुनिया से चला गया, लेकिन उसका जो गम है वो मन महसूस करता है, उसकी कमी तो शरीर को होती है। कैसे, किसी का पिता चला गया, वो कमा के लाएगा, पैसा आएगा, आप खर्चेंगे, जिस दिन उसकी डेथ होगी पैसा कहाँ से आएगा, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, बड़े प्रॉब्लम आ जाएगी, माता का सुख जो आप, यदि माता चलेगी माता का सुख छिन जाएगा। ये तो फिजिकल हम देख रहे हैं, हमारा भौतिक शरीर इनको महसूस करता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ होता है? जब वो कमी होती है तो आपका मन दुखी होता है, आप अपने घर में बैठकर रोते हैं, उसकी कमी महसूस होती है, वो फिजिकली आपके सामने अपीयर नहीं होता, आप बिस्तर में घुस के रोते हैं, लोगों के सामने भी रोने से आप गुरेज नहीं करते क्योंकि मन दुखी है। फिर यदि कुछ भी घटना हो गई, अचानक नौकरी मिल गई, बहुत अच्छा हो गया, घर में पैसा आएगा, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको स्टेटस मिलेगा समाज में, घर में स्टेटस मिलेगा, भाई बहनों में स्टेटस मिलेगा, दोस्तों में स्टेटस मिलेगा, लेकिन उस स्टेटस को एंजॉय कहाँ से करोगे आप?
केवल एक ही सोर्स है, मन। आपका मन खुश होगा उसको लेके, आप एंजॉय करोगे। तो इसलिए मंतेश्वर जी बोलते हैं कि सर्वोच्च जो है मन है। यदि आपको कोई बीमारी लग गई है तो भी मन महसूस करता है, आपको कोई खुशी है तो भी मन महसूस करता है, कोई प्रिय सज्जन बिछुड़ गए हैं तो भी महसूस करता है मन। इसलिए क्यों ना चंद्रमा से ही गोचर किया जाए। आपके हर अच्छे या बुरे काम का गोचर पे असर चंद्रमा पे पड़ना है, चंद्रमा से मन पे पड़ना है, इसलिए चंद्रमा का गोचर सबसे उत्तम है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ कि यदि ऐसा होता तो वो लगन से गोचर देखते ही ना, सूर्य से गोचर देखते ही ना, हम लोग आपको पढ़ाते क्यों। ये प्रवीण टक टू टक थ्री था, प्रवीण विशार टू में क्या है, अब आप सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं, सीनियर स्टूडेंट हैं एस्ट्रोलॉजी के, आपको क्या देखना है, जो सरकार से रिलेटेड काम है उसमें सूर्य से गोचर जरूर देखना है। जो बीमारी से रिलेटेड काम है उसमें आपने लगन से गोचर जरूर देखना है। आपकी फिजिक से रिलेटेड जो काम है उसमें लगन से गोचर देखना है। जो सरकार से रिलेटेड काम है, अथॉरिटी से रिलेटेड काम है, पिता से आपको पैसे चाहिए, पिता से आपने कोई चीज को मनवाना है, तो उस समय सूर्य से गोचर जरूर देखना है। साथ साथ चंद्रमा से गोचर देखने के साथ साथ सूर्य से गोचर देखना है, क्योंकि जैसे साढ़े सती चल रही है तो ये चंद्रमा से देखी जाती है। साढ़े सती बहुत बुरा हाल है आपका, बहुत परेशान है आपका, तो हमें क्या लगता है हमारी मदद कौन करता है, पिता करता है। तो उस समय सरकार करती है मदद, हमारी आंखें सरकार या पिता की तरफ भी जाती हैं कि शायद वहां से हमें फायदा मिल जाए। बैंक से, बैंक सरकार है, डिपार्टमेंट से वो सरकार है। आपके पैसे किसी फंस गए हैं, आप पे ईडी का रेड हो गया, इनकम टैक्स का रेड हो गया, सरकार हो गया, वो सूर्य से गोचर हम उस समय जरूर देखेंगे। आप बीमार हैं, आप सो आपका जो कोई ना कोई अंग है खराब है, कोई ना कोई बीमारी आपके बॉडी के किसी ना किसी हिस्से को लग गई है, वो लगन है, क्योंकि लगन ही आपकी बॉडी है। बाकी जो घर हैं वो लगन के हिस्से हैं, वो आपको बताते हैं कि बीमारी कितनी सीरियस है, कब तक आपकी जो बॉडी है इसे निजात पाएगी, ये आपने देखना है। लेकिन एक बात को कभी जिंदगी में नहीं भूलना है, असेंडेंट इज सब सर्वियंट टू द दशा सिस्टम। अच्छा या बुरा ग्रह तो घूमता ही रहता है आपके कहीं ना कहीं। शनि आपकी जिंदगी में हर 27-28 साल 29 साल के बाद वहीं आ जाता है, बृहस्पति 12 साल में घूमता है, राहु केतु 18 साल में घूमते हैं, मंगल 4 महीने में घूमता है, इसी तरह सन है वो 1 साल में चक्कर लगा जाता है, मंगल 1.5-2 साल में चक्कर लगा लेता है, पूरी शुक्र और बुध हैं जल्दी जल्दी चक्कर लगा लेते हैं साल में। तो हर साल तो दुर्घटनाएं नहीं होगी, हर साल किसी की डेथ नहीं होगी, हर साल किसी कोई रिश्ता खराब नहीं होगा, हर घर आपको हर साल आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये गोचर तभी खराब करेगा जब कोई दशा आपकी ऐसी चल रही है, अंतरदशा ऐसी चल रही है, प्रत्यंतरदशा ऐसी चल रही है, जब आपको खराब करना है। यदि दशा महादशा भी खराब कर रही है, अंतरदशा भी खराब कर रही है, प्रत्यंतरदशा भी खराब कर रही है, तो ही आप खराब होंगे, नहीं वो ऐसे ही गोचर निकल जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा गोचर ऐसे निकल जाते हैं, आपको महसूस भी नहीं होता कि गोचर चल रहा है। तो ये बातें क्या है, सबसे पहला नियम है ट्रांजिट इज सब सर्वियंट टू द दशा सिस्टम, गोचर दशा सिस्टम के अधीन है। उसके बाद जो गोचर है चंद्रमा के साथ साथ किसी पिता के लिए, चंद्रमा के साथ साथ पिता से काम लेने के लिए, पिता के बारे में जानने के लिए, और बॉडी से परेशानियों को देखने के लिए, फिजिकल जो आपका स्ट्रक्चर है, फिजिकल आपकी एग्जिस्टेंस है, बॉडी है जो, उसको आने वाले कष्टों से देखने के लिए, एक्सीडेंट्स को देखने के लिए, बीमारियों को देखने के लिए लगन से और
सूर्य से भी जरूर देखना है, ऐसा मेरा आपको कहना है। अब वेद है, वेद क्या होते हैं, वेद कैसे काम करते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली बार। सबसे पहले वेद तीन तरह के होते हैं और तीनों में जो वेद होते हैं वो एक होता है वेद जो अच्छे कार्य में वेद डालता है, अच्छे कार्य में वेद पड़ता है, उसको हम वेद बोलते हैं। और एक होता है बुरे कार्य को वेद डालता है, आपके साथ बुरा हो रहा है, यू आर इन सर्च ऑफ के कब कोई वक्त आएगा जब ये बुरा होता होता मेरा ठीक हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं कि जो वेद है वो चल रहा है आपका, उसको रोक रहा है कौन, उसका विपरीत वेद, बुरा होने से रोकेगा विपरीत वेद। एक है वाम वेद, कोई आपके साथ होके बुरे वक्त का मुकाबला करेगा, उसको रोकेगा साथ में चल के, आपके भाई, आपके मित्र, आपका कोई भी रिश्तेदार साथ में चलेगा वो, जो उसको वाम वेद बोलते हैं। ये तीन तरह के वेद हैं जो आपने अगली बार करने हैं, आपको आते हैं केवल रिपीट करने हैं। अब मैं वेद बताता हूँ आपको, आज वेद और विपरीत वेद करूँगा। सूर्य आपकी हॉरोस्कोप में चंद्रमा से, जब पहले चंद्रमा करते हैं बाद में और देख लेना, बाकी विद रिस्पेक्ट टू आपने खुद देख लेना है, ये चार्ट मैं करूँगा। जब चंद्रमा से तीसरे छठे और दसवें या ग्यारहवें स्थान में होता है, पांचवें स्थान में होता है, तो आपके लिए अच्छा करना करने आता है। आपका कोई काम नहीं हो रहा सरकारी दफ्तर में, आप इंतजार करते हैं, आपको एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि सूर्य बस फला महीने आपके तीसरे घर में आ रहा है, एक महीना आपके पास होगा, इसमें आपकी फाइल निकल जाएगी, आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, सूर्य आपका पांचवें घर में चल रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है बस एक महीने की बात है, आपको ये नहीं बताता कि तीसरे घर में आएगा छठे घर में आएगा, एस्ट्रोलॉजर सोचता है कि एक महीने के बाद इसका काम हो जाएगा, आप एक महीने में काम हो जाएगा, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि काम हो जाएगा, तो हो ही जाता है, आप एस्ट्रोलॉजर के भक्त हो जाते हैं। वो कहाँ से देखता है कि इसका सूर्य जो है दशा अच्छी चल रही है, प्रमोशन होनी है इसकी, हो जानी है, सूर्य छठे घर के ऊपर चल, पांचवें घर में ऊपर चल रहा है, बस अगले महीने छठे घर में आ जाना है और इसकी हो जानी है। कई बार ये प्रेडिक्शन गलत चले जाती है। कैसे जाती है प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन गलत तब जाती है जब वेद होता है, छठे जब छठे घर में आएगा तो बारहवें घर में यदि कोई प्लैनेट बैठ गया तो वो काम नहीं होगा, तीसरे घर में है तो नौवें घर में उसी समय पर प्लैनेट बैठ गया तो काम नहीं होगा, दसवें घर में है चौथे घर में प्लैनेट बैठ गया तो काम नहीं होगा, ग्यारहवें घर में है पांचवें घर में बैठ गया प्लैनेट तो काम नहीं होगा, इसको बोलते हैं वेद। हाँ जी नहीं बेटे, ऐसा है ये गोचर के प्लैनेट है बेटे, गोचर के नेटर में सर वहां पे होगा तो कोई फर्क नहीं, कोई वेद नहीं होगा, उसका भी मैं आपको बताऊंगा, अभी पहले इसको देख लो थोड़ा सा, उसका भी मैं आपको बताऊंगा, वो तो आपकी जन्मपत्री में जिस दिन आप गाड़ी में चढ़े ना उस दिन का प्लैनेट है, समझे ना मेरी बात? हाँ अभी ये देख लो, और इसी तरह चंद्रमा है, चंद्रमा बहुत फास्ट चलता है तो उस समय में चंद्रमा किसी के पहले घर में आ जाता है, काम रुका हुआ काम हो जाता है, किसी को आना होता है आपके घर में आना होता है, नहीं पहुंचा आपका बेटा, नहीं पहुंचा, बहुत फास्ट प्लैनेट है, आप रात को मायूस हो जाते हैं जब आपका बेटा किसी घर समय पे घर नहीं आया, आपका हस्बैंड घर पे नहीं आया, तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, यार मेरा बेटा आज लेट हो गया, धुंध बहुत है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया उसका, तो ठीक तो है, तो एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं करता, एस्ट्रोलॉजर देखता है कि चंद्रमा पहले घर में चल रहा है, पांचवें घर में प्लैनेट है तो इसको परेशानी है भाई, जैसे ही चंद्रमा दूसरे घर में जाएगा नॉर्मल है, तीसरे घर में जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, नौवें घर में कोई भी प्लैनेट नहीं होगा तो आ जाएगा, तो ऐसा करके हम बताते हैं। इसी तरह मार्स है, मरकरी है,
ये जो नीचे वाले वेद वेदा पॉइंट है ये आपको याद ही होने चाहिए। सूर्य के तो सीधी सिंपल सी है, सामने वाले घर से वेद आता है। प्लैनेट तीसरे घर में है तो नौवें घर से वेद आता है, छठे घर में है तो बारहवें घर से वेद आता है, दसवें घर में है तो चौथे घर से आता है, ग्यारहवें घर में है तो पांचवें घर से आता है। ये बिल्कुल सामने वाला घर है, सातवां घर। बाकी के आपको थोड़े याद रखने पड़ने हैं। तो चंद्रमा को पांचवें घर से आए, पहले घर को पांचवें से आता है, तीसरे को नौवें से आता है, छठे को बारहवें से आता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सातवें को दूसरे से आता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, चार्ट अपने पास रखो, देखो कोई वेद आ रहा है तो यार थोड़े देर के लिए प्रॉब्लम है, इसके बाद ही हल, जितनी देर का वेद है उतनी देर काम नहीं होना है, उसके बाद बड़े आराम से हो जाना है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा है, ये बाकी है राहु केतु का है। देखो राहु केतु के जो टेक्स्ट है उसमें दो तरह की बातें कही गई हैं। जो मंतेश्वर जी बोलते हैं कि राहु जो शनि की तरह काम करता है, शनि तरह वेद है, शनि को तीसरे छठे दसवें घर में अच्छा होता है तो नौवें घर से बारहवें घर से चौथे घर से पांचवें घर से वेद आता है, केतु तीसरे छठे दसवें घर ग्यारहवें घर में अच्छा होता है तो नौवें बारहवें चौथे पांचवें घर से वेद आता है। लेकिन एक डिफरेंट थॉट है जो ये कहता है कि वेदा पॉइंट्स जो है वो इस तरह है, इसमें तीसरा घर दसवां घर नहीं डाला उन्होंने और इसमें भी दसवां घर उन्होंने नहीं डाला। ये डिफरेंट थॉट है, आपका अपना समझ है। सन एंड सैटर्न डू नॉट, एक बात और है वेद में आपको मुंह जानी याद रखना है, सूर्य और शनि आपस में दुश्मन भी हैं लेकिन बाप बेटा भी हैं, दुश्मन भी हैं और बाप बेटा भी हैं। यही रिश्ता चंद्रमा और बुध में है। चंद्रमा और बुध, बुध को वो अपना बेटा नहीं मानता है, आपस में दुश्मनी भी है लेकिन बाप बेटा भी हैं। रिश्ते को निभाते हुए यदि आप अपने पिता से रूठे हुए भी हैं या आपका बच्चा है आप उससे रूठे हुए भी हैं, फिर भी यदि उसका कोई दोस्त आपसे मिलने आ जाता है फिर आप उससे अच्छी तरह अटेंड करते हैं। यदि कोई उसका नाम लेके आ जाता है या उसका दोस्त सामने खड़ा है आप उसका बुरा करना चाहते हैं तो वो नहीं होने देता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पिता का दोस्त है, उसको पता है कि मेरे बेटे का दोस्त है। इसी रिलेशन में सन और सैटर्न, चंद्रमा और बुध आपस में रिश्ता बाप बेटे का है, चाहे आपस में नहीं बनती है लेकिन एक दूसरे को भेद नहीं डालते, एक दूसरे को तंग नहीं करते। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूं, शनि सूर्य तीसरे घर में है, बढ़िया है, उसी समय यदि शनि नौवें घर में बैठा है तो इस सूर्य को काम करने से रोकेगा नहीं, वेद नहीं डालेगा। बुध यदि स्पॉइल करो तीसरे घर में है, चंद्रमा नौवें घर में, बुध को वेद नहीं करेगा। ये एक प्रिंसिपल है, बाप बेटे का रिश्ता है, एक दूसरे को वेद नहीं करते, इसको हमें मान के चलना है। अब क्लास हो गई है आपकी, समय हो गया है क्लास का।